तो हम तो भैया भगवान का नाम लेके निकल चले अपने घर से कोयम्बटूर के लिए। ये रही हमारी बहुत अच्छी रेलगाड़ी। तो देखो भैया, हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल होते पहुंच गया तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अब ले लो भैया यात्रा का मजा, देखो आप। हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग मैं निकला हूँ, मतलब फाइनली बहुत दिनों के बाद एक टूर पे, बिजनेस टूर। सब भैया हम तो पहुंच गए जबलपुर स्टेशन। स्टेशन पे जाके देखा तो हमारी गाड़ी जो 11:50 पे थी, जबलपुर कोयम्बटूर एक्सप्रेस, भाई साहब वो हो गई लेट। और प्लेटफार्म नंबर आ रही थी 2 पे। तो भैया हम लोग छः, हम चल दिए 6 से 2 नंबर पे। तो जैसे तैसे 2-3 घंटे बाद गाड़ी आई, तो भैया अपना आ गया कोच। अब तो रात हो गई है बहुत ज़्यादा, 1:30 बज गए हैं, अब तो जाके सोएंगे। पर डिब्बा आप खुला भैया, चलो भैया अपन अपनी सीट पकड़ ली और अपन तो सो गए। अभी 8:30 बजे नींद खुली, देखा तो ट्रेन अभी आई है, खंडवा आ गए, फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धोएंगे, मंजन करेंगे, नाश्ता करते हैं और आपको बताएंगे अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। अब वहाँ सुबह, आज सुबह हुई थी मेरी मडगांव में, गोवा स्टेशन के पास में। तो ये गोवा का अद्भुत नज़ारा, ये देखो भैया हमारी ट्रेन चल रही है गोवा से भी आगे की तरफ। सुबह बहुत लेट हो गई थी गाड़ी, सुबह 7 बजे पहुँची। तो ये गोवा है, गोवा की झलक भी यहाँ दिख जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट जिसमें यंग कपल्स ज़्यादा दिखते हैं पूरे, पर अपने को तो भैया चल रहा है थोड़ा सा आगे, अभी और चलना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में और आगे दिखाते हैं आपके लिए हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें। जैसे ही हम गोवा से आगे बढ़ते हैं तो कर्नाटक में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो भाई साहब कर्नाटक में आप जब देखोगे रेलवे के चारों तरफ, तो आपको नारियल के पेड़ और केले के पेड़ ये आपको हम दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे। मतलब नारियल के पेड़ के तो पूरे जंगल के जंगल हैं, हरियाली बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा कर्नाटक से लेके केरल तक आपको केवल नारियल के पेड़ देखेंगे और केले के, अत्ती वाले, भयंकर वाले, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। इसके पहले तो टीवी में देखा था, फिल्मों में, कि साउथ में कैसे होते पेड़, कैसे घर होते, कैसे गांव होते हैं। ये देखो आज लाइव पहली बार ज़िंदगी में देख रहा हूँ ट्रेन में बैठ के, कि इतना सुंदर लगता है, एकदम अलग दुनिया में लगता है। नॉर्थ इंडिया में तो इतनी हरियाली नहीं मिलती है अभी, यहाँ बहुत ही ज़्यादा, और बहुत प्यारे प्यारे घर बने रहते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे घर बने रहते हैं यहाँ पे। और मुझे ना एक चीज़ और दिखी है, इतने सारे शहर देखे मैंने, कहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं देखी मेरे को। एक चीज़ आप भी नोटिस करना कभी भी, आपको यहाँ पर छोटे मकान, स्लम और झुग्गी झोपड़ी रेलवे किनारे पर नहीं। हम आ गए कोयम्बटूर स्टेशन पर, ये बाहर निकलते समय गैलरी में सारे जितने दर्शनीय स्थल हैं आसपास के, सब यहाँ फोटो पे लगा रखा है पूरा। आप देखना चाहें तो यहाँ 2 मिनट रुक जाएं, और स्टेशन के बाहर जहाँ से एग्जिट होता है वहाँ पे सारा फोटोग्राफ लगे हैं। तो भाई साहब हम लोग अंडरग्राउंड पासिंग से 1 नंबर साइड से निकलना चालू कर दिए हैं। ये आप देखोगे ना, 3 नंबर पर मेरी गाड़ी रुकी थी, अब बाहर आना है। 3 नंबर से सीधा अंडर टनल है, टनल टाइप का, उससे बाहर आ जाओ। और सामने देखोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी रिजनेबल रेट पर बहुत सारी होटलें मिल जाएंगी, 1000। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब अपन हो गया भाई साहब रेडी, सुबह के बज गए हैं 6 और चलते हैं आदियोगी टेम्पल। यहाँ ईसा फाउंडेशन के नाम से होता है, ओला उबर ऑटो वाटर सब बुक हो जाता है, सुबह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आराम से जाना है तो ओला कैब वगैरह आप बुक कर सकते हो। चलिए ठीक है, करते हैं आगे की यात्रा अपन। तो भैया मैंने तो ओला कर ली थी बुक जाने का 1000 रुपये में, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती थी, थोड़ी इंग्लिश आती थी। तो भैया बड़े प्रेम से बोला कि सर वहाँ सवारी मिलेगी नहीं, तो आपको मैं 1400 रुपये में रिटर्न कर दूँगा, पर आप मुझे मेरी राइड कैंसिल कर दो। तो मैंने चलो ठीक है भाई, अच्छा बंदा है, राइड कैंसिल करा दी उसकी मैंने, और डायरेक्ट 1400 रुपये में वो मुझे लेके जा रहा है और लेके भी आएगा।
और करीब 3 घंटे तक बोला है, 3 से 4 घंटे तक आपको मैं दे दूंगा। तो ये बढ़िया सवारी मिल गई थी मुझे, तो सुबह सुबह निकल गए क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत तेज रहती है कोयम्बटूर में। आप या तो शाम को जाओ, अभी गर्मी की बता रहा हूँ, या फिर सुबह सुबह जल्दी चले जाओ। तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं भाई के साथ में कोयम्बटूर में आदियोगी की प्रतिमा। तो लो भैया, जिनका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये देख गया बहुत बड़ा बोर्ड ईसा फाउंडेशन का, इंग्लिश में लिखा है और तमिल में लिखा है। तो हमें मुड़ चलते हैं, और बड़ा सा प्रवेश द्वार, बहुत अच्छा प्रवेश द्वार बनाया चट्टान का भैया, संभाल के लिए चलना, गिर ना जाए नीचे। चलो आप यहाँ से चलते एंट्रेंस में, तो ये पार्किंग है यहाँ पर आगे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर शांत वातावरण में बहुत अच्छा बनाया है, शहर से बहुत दूर। इसका ऊपर लिंग भी है। अच्छा ऊपर इस पर देखो। तो दोस्तों अब यहाँ से गाड़ी पार्किंग में करने के बाद में अपने को पैदल चलना पड़ता है। सामने देखोगे तो अद्भुत चेहरा मुस्कुराते हुए आदि योगी जी का, ऐसा लगता है कि बस इनको देखते रहो। कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना अद्भुत लगता है यहाँ पे। और कितनी अच्छी जगह बनाया है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीचों बीच में आदि योगी जी की विशाल प्रतिमा है। और एक चीज़ और ख़ास, जो आदि योगी जी की गले में रुद्राक्ष की माला है, वो मैंने पास से जाके देखी तो रियल रुद्राक्ष की माला बनाई गई है। वो छोटे छोटे रुद्राक्ष को सर की माला बना बना के इसको बड़ी माला बनाई गई है। ये देखो पूरा रियल रुद्राक्ष है, पूरा 100% रियल रुद्राक्ष से मिलकर बनी है माला। यहाँ पर पूरा परिक्रमा की, यहाँ से दर्शन के बाद में जाते हैं दूसरे मंदिर में, ध्यान मंदिर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मगर वहाँ पे क्या कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो बस बाहर ही रख देते हैं कैमरे वगैरह, मोबाइल वगैरह सब कुछ हो जाता तो बाहर रखना पड़ता है, और अंदर जाके आप केवल ध्यान। ये थी मेरी कोयम्बटूर आदियोगी की यात्रा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।